कॉन्स्टेंटली रिपीट हर नेम। लड़कियों का नाम लगातार लो। लड़कियों को अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। लड़कियों के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि लड़कों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम पप्पू है या राजू है। हाँ, लड़के सोचते हैं कि और अच्छा नाम होता, लेकिन वो गुरविंदर से भी काम चला लेते हैं, सुखविंदर से भी काम चला लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा लड़कियां अपना नाम खुद ही रख लेती है, माँ बाप ने अच्छा नाम नहीं रखा तो वो खुद ही अपना कोई टेढ़ा मेढ़ा सा नाम, एंजल परी, प्रिंसेस, फेसबुक में है ना ऐसे बहुत सारे नाम भरी बड़ी, खुद ही नाम रख लेती है, एंजेलिना, नकिता, कविता, खुद ही बना लेती है। और सही बात है, उनके नाम में अलग सा आकर्षण होता है, आपको पढ़कर भी अच्छा लगता है। लड़कियों के लिए उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट विल बी लाइक म्यूजिक हर टीयर्स। तुम्हें क्या करना है, उनका नाम लेना है। वजह ये कहने के, इधर आओ, कहो पूजा इधर आओ। जब तुम पूजा कहोगे, जब उसका नाम लोगे तो उस पर ज्यादा असर होगा, वो ज्यादा अपनापन महसूस करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कोई घटिया लड़का अगर लड़की का नाम लेता है तो वो बहुत बार चिढ़ जाती है, वो लड़ पड़ती है, क्या कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम लेने की। अब लड़का बोलता है, नाम में क्या रखा है, बोल दिया तो क्या हो गया। लड़कों को उतना परवाह नहीं होती कि उनका नाम से क्या होता है, लेकिन लड़कियों के लिए उनका नाम उनकी पहचान होती है, उनका टैग होता है, वो उसको पूरा रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब लड़की से कोई कहता है पूजा, तो वो सर से लेकर पैर तक गुनगुना उठती है। पूजा कोई आती जाती बस का नाम नहीं है, किसी ट्रेन का नाम नहीं है, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। इसलिए लड़की का नाम बड़े प्यार से लो। आप लड़की का नाम बड़े प्यार से अलग अंदाज में लो, जैसे अनामिका, पूजा, ओ प्रिया। नाम को थोड़ा बदल दो या मत कहो पूजा इधर आओ, उसे कहो पूजा इधर आओ। मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी जिनका नाम मैं कुछ खास अंदाज से लेता था, वो इसको पसंद करती थी कि मैं उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट से और बड़े हल्के से लेता हूँ और कितने प्यार से लेता हूँ। वो खुद कहती थी, आप हमारा नाम बड़े प्यार से लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। कई नामों के साथ आप जी लगा सकते हो। कुछ लड़कियों को जी पसंद नहीं होता, क्यों, क्योंकि जी लगाने से उनका उम्र बढ़ जाता है। जैसे संगीता जी, संगीता जी 36 साल की है। पहले जी लगा कर देखो, अगर लड़की ऐतराज करती है तो एकदम से बोलना बंद कर दो। दूसरी तरफ वो लड़कियां होती है, जी नहीं लगाओगे तो वो तुम्हें दो लगा देगी, आपको जी लगाना पड़ेगा, तो पहले जी लगा कर देख लो। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर तुम अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तो उसको दिखाने का एक तरीका है, उसका नाम लगातार लो। जैसे मान लो पत्नी का नाम आरती है, तो आरती क्या कर रही हो, आरती बच्चों ने खाना खाया, आरती मूवी देखने चले, अच्छा आरती इसके बारे में क्या ख्याल है। जितनी बार आरती कहोगे उसे ज्यादा अपनापन महसूस होगा, वो आपके और क्लोज आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका नाम लेना बंद कर देते हैं, कहते हैं हाँ भाई इधर आओ, बच्चों ने खाना खा लिया, फिल्म देखने चले। यानी तुम बीच में आरती नहीं बोल रहे हो, तो पत्नी क्या कहेगी, लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लड़कियां नोटिस करती है छोटे छोटे बात को। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताता हूँ, वैसे वो मेरा नाम लेती है, लेकिन जब नाराज होती है तो वो कहती है सुनो मिस्टर डैश डैश, मतलब मेरा नाम नहीं ले रही है। मुझे समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है, ये नाराज है। आपके आसपास कोई लड़की आपका नाम ले रही है तो समझ जाओ कि वो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। और लड़की आपका नाम लेने से बच रही है तो समझ जाओ आप वो इंप्रेशन नहीं जमा पाए जो आपको जमाना था। देखो तुम लड़की का नाम लोगे तो वो उसमें छुपे हुए प्यार को पहचान लेगी, और तुम लड़की का नाम नहीं लोगे तो वो उसमें छुपे नाराजगी को भी पहचान लेगी। आप लड़कियों का नाम नहीं लोगे तो वो आपको खुद से दूर दूर महसूस करेगी, जब उनका नाम लोगे तो वो आपको और क्लोज महसूस करेगी। लड़की का नाम कब लेना है, लड़की का नाम कैसे लेना है, कौन सी लड़की का नाम कैसे लेना है, दोस्ती में लिया गया नाम या प्यार में लिया गया नाम में क्या फर्क होता है, प्रपोज करते वक्त लड़की का नाम क्यों लेना चाहिए, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।